हेलो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सिर्फ 2 मिनट में ई पास कैसे बनाते हैं। छेगांव में श्री गजानन महाराज के दर्शन के लिए आपको ई पास बहुत जरूरी है, इसीलिए सिर्फ 2 मिनट में आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि श्री गजानन महाराज मंदिर में दर्शन के लिए ई पास किस तरह बनाते हैं। तो देखते रहिए मेरा पूरा वीडियो। सो सबसे पहले दोस्तों हमको ई पास निकालने के लिए क्रोम में जाना पड़ेगा। क्रोम में जाने के बाद हमें यहाँ पर श्री गज ई पास डॉट गजानन महाराज डॉट ओ आर जी पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसमें जाना है। इस वेबसाइट में जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी है, वो आप पढ़ सकते हो और इसको आगे आप देख सकते हो पढ़ने के बाद। ये पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन करना है और उसके बाद यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। तो जिसका भी आपको ई पास बनाना है, आपका, आपके फैमिली मेम्बर का, किसी का भी, तो उसका आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। मैं सबसे पहले अपना आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। तो इसके बाद अपने को यहाँ पर सबमिट फॉर दर्शन ई पास के लिए ये सिलेक्ट करना है। अभी आपको जिस तारीख के लिए आपको अंदर दर्शन करना है उस तारीख को सिलेक्ट करना है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि एक दिन पहले आप अप्लाई करें, क्योंकि उसी दिन अप्लाई करोगे तो आपको दर्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ई पास बहुत ज़्यादा स्लॉट रहते हैं, वो सब फुल हो जाते हैं। एक दिन पहले ई पास के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करें। तो जैसे कि मैं 13 तारीख को कर रहा हूँ, तो ये देखो नो डेट्स अवेलेबल, इस तरह का आपको आएगा। इसमें अवेलेबल है, अवेलेबल रहेगा तो इस तरह का ग्रीन आएगा। इसमें टाइम स्लॉट अपने को सिलेक्ट करना है। आप कोई भी टाइम में आप जा सकते हो। मैं सुबह के 7 से 8 का कर रहा हूँ। यहाँ पे अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है, उस पर ओ टी पी जाएगा। तो आप यहाँ पे जिस आधार कार्ड नंबर दिया होगा उसमें जो नंबर लिंक होगा वहाँ पे अपना ओ टी पी जाएगा। यहाँ पे अपना बर्थ डेट डालना है, ईमेल आईडी डालना है तो डाल सकते हो। आधार कार्ड डालते ही अपना पूरा नाम ये सब भरने के बाद यहाँ पे हमें अप्लाई फॉर ई दर्शन करना है। ये ऐसे करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे ओटीपी डालना है हमें। तो जैसे ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है वो यहाँ पे डालना है। मैं अपना ओटीपी डाल रहा हूँ, डालते ही यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपको देखो आपके सामने इस तरह का अपना ई पास बन के आ जाएगा। इस तरह का ई पास बन के आएगा अपना। ये देखो, ये मेरा वाला ई पास बन गया है। यहाँ पे मेरा नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, एड्रेस और जिस दिन हमें दर्शन लेना है उस दिन का टाइम और स्लॉट, जिस टाइम को दर्शन लेना है वो स्लॉट भी दिखेगा। ये कुछ इस तरह का आपका फोटो आएगा। मैं आपको देख सकते हो कि वन टाइम दर्शन, ई पास फॉर आधार नंबर। ये तो चलो, थैंक यू। इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए और ई पास के लिए इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरा चारधाम वाला वीडियो, जो शेगांव चारधाम यात्रा का जो वीडियो था, वो 25K तक पहुंच गया है और उसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि ई पास कैसे बनाते हैं और जब हम दर्शन करने जाते हैं तब ई पास का जेरोक्स लगेगा, कलर प्रिंट लगेगा, किस तरह लगेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ई पास में आप जेरोक्स करके ले जा सकते हो और वहाँ पर जेरोक्स दिखाना है। आप बिना जेरोक्स के आप जाओगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए ई पास बनाने के बाद आपको जेरोक्स करना ज़रूरी है और जो मंदिर के गेट पर चेक करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल ट्रैवल विद केओल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।